हर एक व्यक्ति की एक सपनों की दुनिया होती है और उस दुनिया में व्यक्ति आनंद में रहता है, पर ये सपनों की दुनिया को, ख्वाबों की दुनिया को वास्तविकता में बदलने के लिए व्यक्ति को बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है और इस परिश्रम की वजह से ही व्यक्ति ने अपनी खुली आँख से देखे हुए ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज ऐसी ही व्यक्ति जिसने बचपन से ही एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत सारा परिश्रम सुनीता किया, का जन्म जिसका पाठ पढ़ेंगे दिसंबर और पाठ का नाम है ईस्वीसन को अंतरिक्ष परी ओहियो, सुनीता जो अमेरिका विलियम्स में आया हुआ है वहाँ पर हुआ है। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम के प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है,
हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सेलोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन की तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और ये अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली की अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। ये दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन
18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।